मामू अब आप ही फैसला करिए किसके अंडे बड़े हैं, मेरे वाले ज्यादा बड़े और मस्त है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक देसी मुर्गी डबल एक्सेल साइज का अंडा देती है। सोचना क्या है, मुर्गी अंडा देने के बाद धरतीवासी से नरकवासी बन गई होगी। तू अपना शटर बंद कर, मेरी मुर्गियाँ चिकन तंदूरी खा के अंडे देती है, घास फूस खा कर नहीं। हाँ मैडम, आपके अंडे तो कमाल के हैं। मेरे अंडे का भाव मार्केट से 50 पैसा कम है। तब तो मुझे सारे के सारे दे ही दो। ए बुढ़ऊ, तू इस लड़की के चक्कर में मेरे अंडे ठुकरा रहा है। इसके अंडे दिखते जरूर सफेद होंगे लेकिन मन के काले होंगे। तू ऐसे कैसे बात कर रहे रे? मेरा अंडा खा के ही सचिन तेंदुलकर बना है, सलमान के सिक्स पैक्स ऐसे ही बाहर नहीं आए। समझा, बात करता है। इसने तो ब्रश भी नहीं किया है, क्यों इसके मुंह लग रही है? जाओ अपने अंडे मतलब मुर्गी के अंडे लेके आओ। लाती हूँ। क्या रे बुढ़ऊ, लड़की देख के लाल टपकने लगी। ज्यादा मत बोल, ये मेरी लड़की की उम्र की है। तो तेरे बेटे से शादी करवा दे इसकी और दहेज में अंडे खाते। अरे जा अपने अंडों का ऑमलेट तू ही खा। लाओ मैडम सारे अंडे मुझे दे दो। लाओ संडे हो या मंडे खाते रहो मैडम के अंडे। दिवाली हो या ईद हमेशा खाओ। अरे पूरी लाइन तो बोलने देता। गाँव बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या भाई जगो, तुम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। कहा सुना, माफ कर यार। अरे मैडम के अंडे तो नाजुक हैं, तेरे तो स्ट्रॉन्ग है, लेके आ। तूने मेरे अंडे फोड़े, अब मैं तुझे फोड़ूंगी। आज पता चला कि औरतों का दिमाग घुटनों में क्यों होता है। ओए रुक तो, ओ बहने। अरे उसने बारह की टिकट ले ली मैंने। ए ए रुक रुक रुक, ए नो एंट्री है, ए ए कब कमाल है, ए रुक 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 रुक, एक मिनट नो एंट्री है, कार घुस रही हो। अरे मामू वो लड़का भी तो यहीं से गया ना, उसको तो नहीं रोका, फिर मेरे को क्यों रोक रहे हो? उसने मुझे चूड़ा लगाया तो क्या तुम भी मुझे चूड़ा लगाओगी? आपके हाथ से फिसला है, मेरे हाथ से नहीं फिसलेगा। तारी मासी ने, ओए ऐसे नाटक मत कर जैसे किसी ने गोबर फेंका हो, अंडा ही तो है। चल मुंह धो और निकल ले। थैंक यू वेरी मच। मम्मी मरी गयो। कहाँ जाना है? मेरे को तेरे प्रिंसिपल मामू से मिलने का है, जाके बोल अंडे वाली आई है। अब से इस कॉलेज कैंटीन में मेरे ही अंडे बिकने वाले हैं, आज से तू मेरे ही अंडे खाएगा। कॉपी दिस। सर एक्सक्यूज मी। बोलो कौन छे? एनी मासी ने, तू तो वही अंडा वाली है ना? सॉरी सर, आपका चेहरा तो वांद्रा जैसा दिखता है। नहीं नहीं, तो क्या गधेड़ा जैसा दिखता है? नहीं। एनी मासी ने, ए छोकरी तू सुन ले, मेरे मोढ़े पर इंडा फोड़ के तू ये समझ रही है कि मैं तुझे इंडे का ऑर्डर दे दूंगा? तो और भी कोई मामू है क्या सर? आओ बाजू वाली बिल्डिंग में बैठा है। अच्छा वो उधर बैठा है। हवाई चल रही है वहाँ, ना तो कोई मामा है और ना ही कोई मामी, तारो ऑर्डर कैंसल। सर मेरे कच्चे अंडे खाने से इंसान जवान दिखने लगता है। 25 का लगूंगा। आपके मुंह पर अंडा मारते ही आपकी शक्ल देखिए खिल गई है। शट अप एनी मासी ने। सर एक गेट आउट। ओए ओए चमेली की तेल रुक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? बेटा किसको बुला रहे मामू? पहले मेरे 4,500 निकाल चल। ओए मेरे हक के पैसे मांगे, तेरी जायदाद नहीं मांगी। देखो तुम हट्टी कट्टी हो, हाथ पर सही सलामत है, भीख मांगने से अच्छा काम कर लो ना। मम्मी एक तो तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से मेरी फिरकी ले रहा। अरे मेरा फोन, ये ले मेरा एड्रेस। खाने के हाथ से पैसा दे, धोने के हाथ से फोन ले जा। तुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा, घर में तो बड़ा शेर बनता है और लड़की के सामने भीगी बिल्ली बन गया। तुझे क्या लड़कियों से पिटने के लिए बड़ा किया मैंने? परेशान थी बेचारी, मेरी वजह से उस बेचारी लड़की का नुकसान हो गया, इसलिए उसने मुझे चांटा मारा। और आप भी मुझे डांट रही हो सकता है उसे कोई गलत फहमी, कहीं वही तो नहीं है? हाँ वही होगा, उसी की हरकत होगी और चांटा तुझे पड़ गया। तू उस लड़की के घर जा, उससे कह तूने कुछ नहीं किया, तेरे भाई ने किया है, और उस लड़की को तू डबल चांटा मार कर वापस आना, वरना रात को खाना नहीं दूंगी। सुन अंदर कहाँ जा रहा है? ये सब्जियां इधर आ, इधर आ। कहाँ ना इधर आ,
इधर आ जा, लड़की से पिट के आ गया। अंडे को चाय की पत्ती के पानी में डाला, बाद में उसको भिगोकर बाहर निकाला और तैयार हो गया अपनी फैक्ट्री से निकला हुआ देसी अंडा। जबरदस्त, लोगों को किस तरह से उल्लू बनाते हैं ये तो कोई तुझसे सीखे बेटी। भिगोया, धोया और हो गया आम अंडा, बन गया खास अंडा। अरे बाप रे, इंग्लिश अंडों को देसी अंडा बना के बेच रहे हो तुम लोग? ओए, तू मेरी फैक्ट्री में कब घुस आया? जब तुम अपने अंडों को चाय पिला रही थी, पब्लिक को चूना लगाती हो। हाँ तो क्या करेगा तू, सबको बताएगा क्या? जाना बताना, पर उससे पहले मेरे 4,500 दे और यहाँ से पतली गली से निकल ले। मैं यहाँ तुम्हें पैसे देने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना फोन लेके तुम्हें तुम्हारा चाटा लौटाने आया हूँ। हिम्मत है तो मालती को हाथ लगा के दिखा, मारना। अरे मार, मारना, क्या हुआ, हाथ तो लगा के दिखा। घोचू, मुझे घोचू बोला? हाँ बोला, कुछ और सुनना है क्या? तूने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए और तेरी वजह से उस कॉलेज के मामू पर मैंने अंडा फेंका और अपने ही पेट पर लात मार दी। इसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ऐसी गाली दूंगी कि सेंसर भी सुन नहीं पाएगा। हवा टाइट हो गई, चुपचाप मेरे 4,500 दे और फोन लेके निकल। कल सुबह मेरे घर आना और अपने पैसे ले जाना। तू क्या रजनीकांत का दामाद है जो तेरा एड्रेस मुझे पता होगा? चल एड्रेस बता, कल आऊंगी। उसे चाटा मारा? कस के मारा। जोर से मारा ना? एकदम जोर से। सच में मारा ना? अब क्या लिख के देना पड़ेगा क्या माँ? क्या रे, अपनी माँ को झूठ बोल रहा है? माँ माँ माँ, एक लड़की को भला मैं कैसे मार सकता हूँ? इट्स नॉट राइट। मैंने उसे अपने घर का पता दिया है, वो कल यहाँ आने वाली है। ये क्या, चांटा मारने भेजा था, घर का पता देने नहीं? माँ तू बस देखती जा क्या होता है। मामा, क्या कर रहा है, कोई बेल बजा रहा है? अरे ये वही लड़की होगी, कोड़ी घर पे है ना? हाँ अभी आया है। हाँ, टाइमिंग एकदम करेक्ट है। यू वेट हियर, सी दिस। अरे आप फिकर मत करो, मैं कलेक्टर से बात करके सब कुछ सेट कर दूंगा। इतनी घंटी कौन बजा रहा है? क्या खाता है रे तू, एक रात में खेतीबाड़ी इतनी बढ़ गई? पड़ोस के आदमी के बाल चेहरे पे गोंद से चिपका लिए क्या? कुछ भी कर, मुझे झांसा नहीं दे सकता। मैं पैसे के लिए अपने पापा को भी ना छोड़ू तो तू क्या चीज है? कौन है रे तू? तूने ही तो बुलाया था, चल पैसा निकाल। काहे के पैसे? ओह, लगता है मामू को रात की उतरी नहीं है इसलिए सब कुछ भूल गया। मेरा चाटा तो अच्छे से याद है ना? चाटा? हाँ। काहे को मारा था? तूने मेरे अंडे तोड़े तो मैं क्या तेरी आरती उतारती? चाटा ही मारो। यस। तुमने ही मुझे कल बोला था कि मेरे घर आके पैसे लेके जाना, इसलिए मैं आई हूँ। तुम्हारा फोन भी लाई हूँ। तू जिसको ढूंढ रही है वो अंदर है। अंदर? जोर से पड़ी क्या बेटा? तूने जुड़वा पिक्चर तो देखी होगी। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। एक अंडे से दो मुर्गे निकले हैं। माँ ये तुम्हें अंडा बोल रही है। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, बेकार में ही चाटा मार दिया। अरे कोई बात नहीं, भैया ने मारा ना, हिस्सा बराबर हो गया। इससे तो सूखा पापड़ भी नहीं टूटता, सारे काम भाई से करवाता है। क्या माँ? मेरे बेटे की गलती की वजह से तुम क्यों नुकसान सहो? कल आके अपने पैसे ले जाना। ठीक है आंटी। मुझे वो मेरा फोन। हाँ हाँ, वैसे रात को ये बहुत बज रहा था, सुबह देखा तो पता चला कि रात को कोई वर्मा उछल रहा था। अरे वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार से इतना कहा कि मामू तो दिमाग से पैदल है कि इतनी बार फोन कर रहे हैं। ये लो, मैं किसी और की चीज कभी अपने पास नहीं रखती हूँ। ये रहा तुम्हारा सिम कार्ड, नया फोन खरीद के उसमें डाल देना। हा? अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। तुम बहुत चालू हो। अब तेरे इस फोन में मैं अपना सिम कार्ड डालूंगी, रिचार्ज करवाते रहना। हा? नमस्ते आंटी। हाँ। चलती हूँ, टाटा बाय बाय। ये लड़की तो आफत की बुढ़िया है। जैसी भी है बहुत अच्छी है माँ। सिर्फ अपने हुनर से नहीं बल्कि मेहनत से आज डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेन्स विंग की लीडर बन गई है, तो स्वागत कीजिए रुद्रा का। सच
सबसे पहला मेरा इस पावन धरती को सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ भीम जैसे मजबूत, अर्जुन जैसे समझदार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रंगा जी की, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके दिल में बहनों और माओं के लिए इज्जत है, बच्चों के लिए प्यार है और गरीब सताए हुए लोगों के लिए रहम भरा है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं दुर्गा का रूप हूँ, रुद्रा, आपकी रुद्रा। अपनी रुद्रा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर उससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? अरे इस रुद्रा को मैं नहीं बनाया है, जीतने के बाद ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। कल इसी स्टेट से ऑपोजिशन के डिस्ट्रिक्ट यूथ सेक्रेटरी कोडी ने अपनी मर्यादा को भूलते हुए हमारी सरकार को बुरा भला कहा, मुझ पर उंगली उठाई, सीएम साहब पर उंगली उठाई। ये है कौन, एक एरा गरा पार्टी वर्कर? कोडी संभल कर पहले राजनीति को समझो, फिर माइक पर आकर बोलो। अगर हमारी पार्टी की झूठी निंदा की तो तुम्हारी पार्टी का झंडा उखाड़ फेंकेंगे। क्या ये तूने स्टेज पर कहा कि मैं सनकी और बदतमीज हूँ? तो तू मुझे ऐरा गैरा पार्टी वर्कर बोलेगी? पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनों का मुंह बंद करना पड़ता है। अरे काई को करने का इतना मगज मारी, मेरे से शादी कर डालना, बढ़िया से खाना बना, मेरे कपड़े धो, बर्तन साफ कर, बच्चे पैदा करके उनको संभालने का मजा उठा, और रात में अपने सास के पैर भी दबा डालने का। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैंने जो अपने लिए मंजिल चुनी है ना, वहां तक मैं पहुंच कर रहूंगी। ऐसा क्या? वैसे तेरे सपने में मैं भी हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, किसी एक कोने में। कोने में? अपने तो पूरे सपने में तू ही है। जानती है कल रात के सपने में अपन दोनों क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अरे बताने का क्या है, असली में करता हूँ ना। ए, इसको दूर फेंक, नहीं तो काट लेगा। ये काटेगा? और क्या? चल काट। फेंक ना। अरे ए, बोला था ना काट लेगा, काट लिया ना। कुछ भी नहीं हुआ। पता है इंडिया के 70% सांप जहरीले नहीं है, हम बेकार में डरते हैं। ए, ए, रुद्रा क्या हुआ, आंखें खोलो रुद्रा। सर मानता हूँ कि इसने आपके मुंह पे गलती से अंडा फेंक के मारा, लेकिन उसके लिए ये बहुत शर्मिंदा है, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए ना। एली मासी ने